अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि परिंदे यूरिन नहीं करते? और आपको मालूम है कि एरोप्लेन वाइट कलर के ही क्यों होते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, आप इस वीडियो में सब कुछ जान पाओगे। सबसे पहले मेरे चैनल इन्फो विद आदिल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन से नोटिफिकेशन फॉर ऑल कर लें। इससे मेरे नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलते हैं आज के लॉन्ग रूट की तरफ। क्या आपने कभी सुना कि पॉइंट नीमो क्या है, कहां पर वाक्या है और असल में ये है क्या? पॉइंट नीमो, नीमो एक लतीनी जबान का लफ्ज है जिसका मतलब है कि कोई नहीं। ये जनूबी बहर के ओकनोस के वस्त में वाक्या है जो खुश्की से काफ़ी फासले पर है। यहां पर एक खलाई स्टेशन पाया जाता है। खलाई स्टेशन को पॉइंट नीमो के नाम से जाना जाता है जो सतह ज़मीन से काफ़ी गहराई पर है। इसमें 300 खलाई जहाज और खलाई मलबा भी रखा जाता है। आसान लफ्जों में अगर ये कहा जाए, जो एरोप्लेन नकारा हो जाया करते हैं इनको यहाँ फेंक दिया जाता है और ये पॉइंट नीमो एक कब्रस्तान के नाम से भी जाना जाता है। मछलियों में से अगर ब्लू वेल की बात की जाए तो ये ब्लू वेल आपको नज़र तो आ रही होगी। ये इतनी बड़ी है कि 3 से 4 साल का बच्चा आसानी से इसकी रगों में खेल सकता है और अपनी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा भी इसके अंदर गुजार सकता है। इसका दिल एक छोटी कार की जितना होता है ना हैरान कर देने वाली बात। आप अपनी आंखों को दिन में कितनी बार हरकत देते होंगे, कभी अंदाज़ा लगाया, कभी सोचा? बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया होगा। क्या आप जानना चाहेंगे कि एक दिन में इंसान अपनी आंखों को कितनी बार हरकत देता है? जी हाँ, मैं आपको बताऊंगा कि एक दिन में इंसान अपनी आंखों को 10 लाख बार हरकत देता है। अगर आप दिन के एंड यानी शाम के वक्त अपनी आंखों की थकावट महसूस करें तो इससे आपको ये मालूम होगा कि रोज़ाना आप ये आइज 1 टन काम करती हैं और इंसान आम तौर पर अपनी आंखों को 2 सेकंड में 3 से 4 दफ़ा अपनी आइज को हरकत देता है। जब आपको चोट लगती है या किसी भी किस्म का फ्रैक्चर होता है तो आपको बहुत ज़्यादा दर्द होता होगा। जाहिर है उस दर्द को ख़त्म करने के लिए आप पेन किलर तो खाते होंगे, लेकिन आज मैं आपको ये बताऊंगा कि अल्लाह ताला ने हमारे दिमाग के अंदर एक ऐसे हार्मोन रखे हैं जो किसी भी किस्म का पेन ख़त्म करने के लिए काफ़ी हद तक मुफीद हैं। जी हाँ, एंडोरफिन्स एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में पाया जाता है और इसका कुछ हिस्सा दिमाग में भी पाया जाता है। लेकिन मैं आपको यहाँ ये मशवरा दूंगा कि जब भी आपको किसी भी किस्म का पेन हो तो थोड़ा सा रो लिया करें, क्योंकि ये हार्मोन आंसू के ज़रिए प्रोड्यूस होता है और ये पेन किलर में काफ़ी हद तक मुफीद है। अब आप कॉमेंट्स बॉक्स में ये बताएँ, आप रोंगे या पेन किलर खाएँगे? पांचों उंगली में से सबसे स्ट्रेंथ किसके पास है? सबसे ज़्यादा ताकतवर मजबूत कौन सी उंगली है? आप सोच रहे होंगे कि थंब, लेकिन नहीं। लेकिन हमारे हाथ में सबसे छोटी उंगली जो है यही ज़्यादा ताकतवर है। अगर इसको चोट लग जाए या हादसे में कट जाए तो आपकी हाथ की स्ट्रेंथ 80% कम हो जाएगी। आमतौर पर आपने यही सुना होगा कि ज़मीन गोल है और ये भी सोचते होंगे कि इसका कोई पॉइंट भी नहीं, लेकिन आज मैं आपको ये बताऊंगा कि ज़मीन का आखिरी पॉइंट भी है। ये आखिरी पॉइंट इंग्लैंड में वाक़या है जिसको सोसेस के नाम से जाना जाता है। यही ज़मीन का आखिरी पॉइंट है। सर्दियों में आपको ठंड तो बहुत लगती होगी और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, हत्ता कि बर्दाश्त से भी बाहर हो जाती है। लेकिन कभी आपने महसूस किया कि आपकी आंखों को ठंड क्यों नहीं लगती? जी हाँ, अल्लाह ताला ने हमारे पूरे जिस्म पर सेंस ऑफ रिसेप्टर रखे हैं जो किसी भी मौजूदगी का हमें एहसास दिलाते हैं, लेकिन ये रिसेप्टर हमारी आंखों में नहीं पाए जाते, इसलिए हमारी आंखों को ठंड नहीं लगती। सबसे पहले फैक्ट्री में जब प्लेन तैयार होता है तो इस पर ग्रीन कलर का पेंट किया जाता है, फिर इसको पेंट शॉप की तरफ ले जाते हैं जहाँ पर वाइट कलर का पेंट किया जाता है और तकरीबन 1200 किलो का पेंट इस्तेमाल करते हैं। और आपको इंटरेस्टिंग वाली बात बताऊं, सिर्फ कंपनी का लोगो लिखने के लिए 500 किलो का पेंट इस्तेमाल करते हैं।
आप सोचते तो होंगे ये पेंट करते ही क्यों हैं? जी हाँ, अगर हिस्ट्री में देखा जाए तो अमेरिका पहले बगैर पेंट का जहाज इस्तेमाल करती थी, लेकिन मौसम की खराबी और टेम्परेचर की तब्दीली की वजह से ये मटेरियल खराब हो जाया करता था। लेकिन पॉलिश की कॉस्ट पेंट की कॉस्ट से कई ज्यादा थी, क्योंकि व्हाइट कलर में अगर जहाज को कहीं डेंट आ जाता है लैंडिंग के दौरान या कहीं क्रैक आ जाता है तो इंस्पेक्शन टीम आसानी से इसका पता लगा लेती है। अगर खुदा न खास्ता प्लेन क्रैश हो भी जाता है तो रेस्क्यू टीम आसानी से पता लगा भी सकती है, क्योंकि व्हाइट कलर आसानी से नज़र आ भी जाता है बनिस्बत डार्क कलर के। डार्क कलर ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है और अगर डार्क कलर इस्तेमाल किया जाए तो इसकी रिफ्लेक्टिविटी व्हाइट कलर के मुकाबले में काफ़ी हद तक कम होती है और ये प्लेन के लिए काफ़ी ख़तरनाक हद तक साबित हो सकता है, इसलिए वाइट कलर इस्तेमाल करते हैं। परिंदे यूरिन नहीं करते। जी हाँ, अल्लाह ताला ने कुछ ऐसी मखलूकात भी बनाई हैं जो इंसान को हैरान करके रख दें। ख़ास तौर पर अगर जानवरों में से परिंदों की बात की जाए तो कुछ परिंदे ऐसे भी हैं जो यूरिन नहीं करते और ना ही इनको यूरिन कहा जाता है। जी, कुछ ऐसे परिंदे हैं जो नाइट्रोजन को यूरिक एसिड में तब्दील कर देते हैं और वही यूरिक एसिड एनएस से बाहर निकाल देते हैं। क्या आप जानते हैं कि सांप जज़लों की पेशनगोई में मदद कर सकता है? वह 121 किलोमीटर दूर से आने वाले जज़लों को महसूस कर सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।